अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अनदर ब्लॉग। आज फिर हमारे ब्लॉग का टॉपिक है वो ये है कि जो हमारी स्विफ्ट है उससे हमने पंगे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि भाई राह नहीं जाता भाई, गाड़ी जब खड़ी हो कुछ ना कुछ चलता रहता काम, तो इसी वजह से हमने स्विफ्ट का थोड़ा सा ना इंटीरियर मॉडिफिकेशन स्टार्ट कर दी हुई है। लिहाजा भी जाते हैं और जाके गाड़ी की ना एमडीएन लाइट खरीदते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या बनता है। गाड़ी का काम चलता रहेगा, इसके साथ साथ कोला काम सबसे चल रहा है, तो हमने कहा कि ना स्विफ्ट को भी कर लें शुरू। स्विफ्ट का आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे, कोला हमारी तकरीबन तैयार हो गई हुई है, तो चलते हैं मार्केट में जाके गाड़ी की एमबीएन लाइट लेते हैं, एटमॉस्फेयर लाइट लेते हैं, थोड़ा बहुत कार्बन फाइबर की टचिंग करानी है गाड़ी के अंदर। उसकी जो पोशिज वगैरह हमने वो करा ली हुई है, रेड मेरून कलर में कराई थी, वो भी कुछ साथ दिखाते हैं और फिर मार्केट जाकर देखते हैं क्या सामान मिलता है। ले जाके हम एमबीएन लाइट्स ले आए हैं, ये 5 पॉइंट लाइट है, 5 पॉइंट इसके हैं और ब्लूटूथ कंट्रोल वाली है। फिटिंग इसकी हम खुद करेंगे और आपको दिखाते हैं फिट होती कैसे है। ये गाड़ी के अंदर एमबीएन लाइट लगाने का प्रोसेस हो गया स्टार्ट। अब इसके फिलहाल गत्ते खोले जा रहे हैं, गत्ते खोल के तो हमारा प्लान बना है कि जो ये बाउंड्रीज बनी हुई है ये वाली, इसके अंदर इसकी एम्बियन लाइट फिट करें। ये जी फाइबर की रोप, इसके अंदर जो सी है वो एक पतली सी डीआरएल टाइप डलती है, उसके पीछे पॉइंट लगता है। आपको पॉइंट भी दिखाता हूँ मैं, कौन सा वाला पॉइंट है जो एक रोप के अंदर फिट होकर इसके अंदर लग जाएगा। ये एक तरह की बाउंड्री है फिटिंग के लिए। इसके अंदर जो ये पतली सी सिल्वर सी है लाइन ऊपर जो है, इसके अंदर लाइट चलती है। लाइट का पॉइंट एक ही होता है, वो आगे से ग्लो करता है। तो ये जो फिटिंग है तकरीबन हर गाड़ी की सेम ही है, बस आपने पॉइंट ढूंढना है कहाँ से आपने लगानी है। उस स्विफ्ट में हमने काम शुरू कर दिया लगाने का। ये जी वो पॉइंट जिनकी मैं बात कर रहा था, ये जो कि आगे लगा हुआ गोल सुराख, इसके अंदर वो जो बोल्ट पॉइंट है, लाइट यहाँ से घुसेगी इसके अंदर, एक पॉइंट ग्लो करेगा और पूरी लाइट जो सी है वो डीआरएल चलती रहेगी। इसके लिए अस्तरों से हमारा हो गया प्लान चेंज। पहले जहाँ फिट कर रहे थे अब वहाँ पर हम फिटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पर जो सी है लाइट लगाने की प्रॉपर ग्रिप नहीं मिल रही है हमें, कोई प्लेस जहाँ पर लाइट अड़ जाए। एक नई जगह ढूंढी आपको दिखाते हैं, प्लान तो लाइट सारी लगा दी हम इसके साथ ऐसे करके, बट अब मार रही है ये जो सी ना इसकी जगह बहुत कम है फिट होने की, तो अब हम लगाने लगे हैं इसको इस पट्टी के साथ, ये जो नीचे ये आ रही है इसके साथ लगा देंगे चारों दरवाजों के अंदर। उसके बाद पांचवा पॉइंट समझ नहीं आ रही कि इस डैश बॉक्स में हम किस जगह पे लगाएं, वो भी अभी सोचते हैं, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या होना आज इस गाड़ी के साथ। इसकी फिटिंग बैठना शुरू हो गई है यहाँ पर और बड़ी अच्छी फाइन फिटिंग बैठ रही है। उसको यहाँ से ला के हमने इस जगह से इसको बैक भेजा है दरवाजे की, बट इशू जो सा है वो आता है यहाँ पर जहाँ पर हल्का सा ये बेंड बन रहा है, ठीक है, और इस बैंड के बगैर काम होना भी नहीं है। पीछे लाइट इस तरह की आ गई है, यहाँ पॉइंट लगाना है। अब अल्लाह करे कि जो बैंड है ये लाइट को काम ना करे, अगर तो उसने काम ना किया तो हमारा काम कामयाब है। मैं तो फिर देखेंगे अब आगे क्या। गाड़ी की एमबीएन लाइट्स की इलेक्ट्रिक वायरिंग की जा रही है, सारा पैनल खोल लिया यहाँ से, यहाँ से वायर का पॉइंट लिया, अब इनको जोड़ते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो जोन सा है अभी हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं, कनेक्शन करके चेक करते हैं उसको लगा के कि भाई हमारा जो लाइट का काम है वो कामयाब हुआ कि नहीं। लो भैया टेप, यही है वो इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिक काम इस गाड़ी के कर रहा है, और उसके भी सारे इसने किए हैं, तभी कोई आज तक सही नहीं हुआ। तो ये टाइम आ गया टेस्टिंग का, इसको करते हैं टेस्ट अब और चेक करते हैं कि क्या सीन है। ऐप दोनों की सेम नहीं है, नहीं नहीं मेरे फोन कहने लगे हैं भाई हमारा आया काम कामयाब हुआ कि नहीं। मेरे भैया पेशकस, ये मेरे हाथ में 4 पॉइंट, अरे पांचवा पॉइंट कहाँ है इसका, पांचवा मेरे हाथ में, ठीक ओके। यहाँ से लगता है भाई जान पॉइंट, जो कि आपको पूरी लाइट जो होती है ना नीचे तक ग्लो देता है इसको। तो स्विफ्ट की जो सी एम ए लाइटिंग का काम वो चल रहा है हमारा साथ साथ, ऊपर से हमने गाड़ी के अंदर जो सी एटमॉस्फेयर लाइट भी इंस्टॉल कर ली हुई है, वो भी आपको दिखाएंगे अभी वीडियो के अंदर। अभी एक दरवाजा जो सा हमारा फाइनलाइज हो गया, बाकी के 3 रहते हैं वो तेज़ से काम करते हैं और आपको दिखाते हैं। अब हम लगे हैं गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोलने, इसको यहाँ पर लगा हुआ है एक बट स्क्रू को देंगे हम गोल घुमा, ये खोल के आपको दिखाते हैं सारा सीन। खोल लिया पीछे वाला भी, ग्रिप इसकी उतनी नहीं, कोई बहुत ही डीट ग्रिप लगी हुई है। अब हम इसको ऐसे ही फिट करेंगे, ये रहा इसका फाइबर, हम इसके अंदर मारेंगे तो ध्यान साहब।
सा दरवाजा जो सा है, राइट से दोनों साइड पे लाइट लगी है, इसके अंदर लाइट फिट हो गई है, इसकी फिटिंग बस रहती है, इसको फिट करते हैं और फिर उन दोनों दरवाजों को खोल के दोनों लाइट फिट करते हैं। वायर है पिछले पॉइंट की वो आ रही है, ये यहाँ से लेके जा रहे हैं स्प्लिटर के अंदर से पीछे वाली साइड पर, और वहाँ से इसको हम निकाल के जो देखते हैं पॉइंट ये से हम इसको निकाल के दरवाजे के अंदर ले जाए। इसी के साथ हमारी जो होती है उस साइड की वायरिंग जो होती है वो होती है अंडरग्राउंड, जो ये वायर है ये अब इसके नीचे से हो गए ऊपर से अंदर से इसके पीछे से लेकर आएंगे हम इस तरफ और दरवाजे की वायरिंग शुरू करेंगे। और दूसरी बात ये है जो प्लास्टिक इस्तेमाल किया है ना सुजुकी ने, बहुत ही कोई थर्ड क्लास प्लास्टिक है भाई, होंडा का जो प्लास्टिक लगा हुआ है ना इसके अंदर इतने पंगे लेते हैं, इतने पंगे लेते हैं, ऐसे कुछ हुआ नहीं, ये फर्स्ट टाइम नहीं खोला है और इसके ऊपर क्रैक्स भी होना शुरू हो गए हैं, इतना भी गंदा और दो नंबर प्लास्टिक लगा हुआ है। बाकी पूरी गाड़ी प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, ये चीज़ अच्छी नहीं है इस गाड़ी की, प्लास्टिक बहुत इस्तेमाल किया हुआ है गाड़ी के अंदर, ये खड़कता भी रहता है प्लास्टिक कड़कड़ करता रहता है, बाकी प्लास्टिक की क्वालिटी बहुत ही गंदी है गाड़ी की। भाई इस तरह सारी फाइटिंग हमारी फाइनल हो गई है, सारी वायरिंग हमने यहाँ से गायब कर दी है, ठीक है सारी वायरिंग अंडरग्राउंड कर दी है, अब ये डैशबोर्ड खोल रहे हैं ताकि वायरिंग जो होती है इस तरफ से कंटिन्यू करके उस तरफ लेके जा सकें, उस तरह सबको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं और फिर हमें तो इसी के साथ जो हमारी स्विफ्ट है उसके अंदर होता है एमजन लाइटिंग और एटमॉस्फेयर लाइट का काम कंप्लीट। जो मजीद थोड़ा बहुत काम किया टचअप्स किए हैं उसका आपको एक वॉक राउंड देते हैं। पहले ये गाड़ी हुई भी है गंदी, उसको करना पड़ेगा हमें वॉश, वॉश करने के बाद इस गाड़ी का छोटा सा वॉक राउंड बनाते हैं और दिखाते हैं आपको छोटे छोटे जो माइनर माइनर टचअप्स इस गाड़ी के अंदर किए हैं और करते हैं भाई इस व्लॉग को एंड। बस ये गाड़ी हो गई है साफ फाइनली, अब लेके चलते हैं इसको बाहर, साथ में ये भी जा रही है, इसके कुछ रील्स वगैरह लेनी है जैन साहब ने, वो शूट करेंगे और इसका जो फाइनल आपको रिजल्ट है वो शो कराते हैं कैसा, ठीक है अपनी इवन 40 का शूट, ठीक है उसके लिए हमने यहाँ पे ट्राईपॉड फिट कर रहे हैं इस गाड़ी के अंदर, यहाँ लगाएंगे फोन, मैं चलाऊंगा गाड़ी और जैन साहब चलाएंगे भाई वो वाली गाड़ी, और फिर हम उसके बाद बारी आएगी इसकी किस्मत खुलेगी। हमने जो है कैमरा फिट कर दिया इस गाड़ी के अंदर, वो लगा पीछे कैमरा नजर आ रहा होगा आपको, हम लेके चलते हैं इसको आगे जैन साहब अपना शूट बनाते हैं, ये होता है BTS भाई। 15 minutes later. जन, finally जो हमारा ट्रोला का शूट है वो तो हो गया कंप्लीट, अब बारी है स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट का शूट करेगा जैन उस गाड़ी से, तो दोनों गाड़ियों के जो से शूट्स हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो आपको इस वीडियो के एंड पे मिलेगी। तो गाड़ी के अंदर हमने बार लाइट इंस्टॉल कर ली है, ये हमारे फ्रेंड की है, गाड़ी में फॉग लैंप में मदनी लाइट है अल मशहूर वो फिट कर ली है, गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है गाड़ी का वो कार्बन फाइबर हो गया, साथ कार्बन फाइबर का थोड़ा सा यहाँ टचिंग की है, गाड़ी के अंदर मेरून कलर की जो सी है कोशिश की है, और एम्बिएंट लाइट्स और गाड़ी के अंदर जो सा एटमॉस्फेयर लाइट लगी है, अब आप सिनेमैटिक एंजॉय करें इस गाड़ी का। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, हमारे साथ मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहें।